कंपनी के नाम पर लोगों से ठगी कर चूना लगाने वाले आरोपी को प्रार्थी की शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने चंद घंटों में किया गिरफ्तार। दुर्ग पद्मनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजेश चंद्राकर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जुर्म दर्ज कर लिया है। इसी कड़ी में पद्मनापुर टीआई उमेश गुप्ता ने बताया कि प्लॉट नंबर 5B सड़क 12 में त्रिकुंज रिसाली निवासी सरिता बंसोड़ ने शिकायत की है कि आदर्श नगर महाराजा चौक पर स्थित RRB ट्रेडिंग कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का संचालक कबीर धाम निवासी राजेश चंद्राकर ने ऑफिस खोलकर रखा हुआ है। 3 माह में रकम दुगना करने का झांसा देकर पीड़िता से 7 लाख रुपए ले लिए, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी रकम डबल नहीं होने पर रकम की वापसी के लिए पीड़िता उसे संपर्क करती रही। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 3 मोबाइल 3 लग्जरी कार भी जब्त की गई है। ये बेसिकली 420 का मामला था, जिसमें एक शख्स के द्वारा पैसे डबल करने के नाम पे ये बोला गया कि आप मुझे पैसे दे दो और मैं उसको ट्रेड करूँगा शेयर मार्केट में और फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसे लगाऊंगा और उसके बाद मैं आपको डबल करके दूंगा। तो वो लगभग 3-4 महीने 5 महीने किसी किसी को टाइम देता था और शुरुआत में उन्होंने ट्रस्ट गेन करने के लिए कुछ लोगों के पैसे लौटाए भी, जैसे किसी 4 लाख लिया तो उसको 8 लाख वापस किया। इससे एक ट्रस्ट और फेथ डेवलप हो गया लोगों में। तो फिर उसने थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से इसको स्टार्ट किया, यहाँ पर एक ऑफिस खोल के लोगों से पैसे लेने स्टार्ट किए और फिर उन पैसों का दुरुपयोग करते हुए गाड़ियों में या फिर बाकी अपने खर्चे के लिए उपयोग करना स्टार्ट किया। और जब लोग अपने इनसे पैसे वापस मांगने लगे तो ये फिर इधर उधर भागना इन्होंने स्टार्ट किया। तो एक शिकायत के आधार पर जब इन्हें पकड़ा गया तो पता चला कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे यहाँ से दुर्ग के लोगों से ले रखा था। इतने लोगों में से लगभग 6-7 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, उनसे 60-70 लाख रुपये इन्होंने लिए थे। उसके अलावा और भी लोग हो सकते हैं जिनसे पैसे लिए होंगे। आरोपी कितने को बनाया गया इसका? जी अभी तो जो मेन इसका जो मेन हैंडलर था उसको आरोपी बनाया गया है। उसके जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनकी जांच चल रही है, उसमें कुछ नए नाम आने की संभावना है जिनको कि बाद में जोड़ा जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।